स्वागत है मेरे चैनल फिजियोल्यूशन में। मेरा आज का टॉपिक है इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट इंजरी में हम क्या क्या ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि हम अपनी जो पैर की स्ट्रेंथ है उसको भी इम्प्रूव कर सकें और आपकी मोबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकें। सो, अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की पार्शियल टियर जिसमें होता है इस तरीके का लिगामेंट इंजरी अगर आपको हुआ है तो आप अपने होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। मेरी पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको जो एक्यूट फेज होता है उसमें बहुत पेन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, लेकिन हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करते रहना चाहिए। सो, जो एक्टिव थोड़ी सी एक्सरसाइजेस है उसमें हम सबसे पहले बताते हैं कि आपको कुछ स्ट्रेचेस करने चाहिए, जैसे कि अपने पंजों को अपनी तरफ खींचना और फिर आगे की तरफ खींचना। ये आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी तरफ पंजों को खींचेंगे और फिर पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे। सो, इसको हम काफ पंपिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। इस एक्सरसाइजेस से क्या होगा कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होगा और आपकी जो स्वेलिंग है, पेन है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेकेंड एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने हील ड्रैग एक्सरसाइज कीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, धीरे धीरे पैर अपनी तरफ लेकर आना है इस तरीके से। अब जब हमें लिगामेंट इंजरी होती है तो हम अपनी जो नी की रेंज है वो कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पेन होता है हमें। सो, आपको कोशिश ये करनी है कि आप पेन फ्री रेंज एक्सरसाइजेस ही करें। अगर आपको इतने मोड़ने पे अगर दर्द हो रहा है तो आप यहीं पे रुक जाइए, इससे ज्यादा आप मोड़ने की कोशिश मत कीजिए। सो, आप सिर्फ इसी लेवल पे अपनी तरफ खींचे, रोके और फिर इसको वापस पैर को उस तरफ ले जाए। सो, थर्ड एक्सरसाइज में आपने कैसे क्लोथ ले लेना है या बॉल भी ले सकते हैं, जो सॉफ्ट बॉल्स होती हैं, और अपने घुटने का जो ये स्पेस है उसके ग्रूव के बीच में आपने ऐसे रखना है और अपनी ये जो बॉल है आपकी पटेला, इससे इसको ऐसे नीचे की तरफ 10 सेकंड तक कंप्रेस करना है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आपका जो पंजा है वो आपकी तरफ खींचा होना चाहिए और तब आप अपने इस घुटने से नीचे की तरफ इसको प्रेस करते हैं। देखिए, ये मैंने उठाया और अब मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ। सो, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कंप्रेशन यू हैव टू डू। 10 सेकेंड आपने होल्ड करना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इसको दबाना है, होल्ड करेंगे और फिर आप इसको फिर से छोड़ देंगे। सो, ये होती है हमारी आइसोमेट्रिक्स ऑफ नी एक्सरसाइजेस। फोर्थ एक्सरसाइज में मैंने क्या किया है कि मैंने ये फोम रोलर लिया है ताकि मैं अपने स्पेस को बना सकूं। आप पिलो भी यूज कर सकते हैं, बस आपका ये जो घुटना और नीचे का पैर है उसमें इस तरीके का गैप होना चाहिए और इसको हम शॉर्ट आर्क क्वाड्स भी कहते हैं, ऐसे क्यों। इसमें क्या करते हैं, हम अपने घुटने को बस इस तरीके से उठाते हैं, तो ये जो ग्राउंड लेवल है इससे आप कुछ डिग्री तक उठाएंगे तो आपकी जो ये क्वाड्रिसेप मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये बहुत ही पर्टिकुलर क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस हैं जो आपको इनिशियल फेज में जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो घुटने की बनी रहे, आपकी जो मसल्स हैं वो वीक ना हो, क्योंकि लिगामेंट इंजरी होने के कारण, पेन के कारण जो पेशेंट्स हैं वो अपनी मोबिलिटी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे जाके और बढ़ जाती है। सो, आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना है। सो, मेरी फिफ्थ एक्सरसाइज है जो मैं आपको पहले भी नी स्ट्रेचेस एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि अगर हमें कोई लिगामेंट इंजरी घुटनों में होती है तो इसमें आपको स्ट्रेट लेग रेजेस करने होते हैं। वो कैसे करेंगे, आप इस तरीके से दूसरा घुटना मोड़ के इस लेवल पे इसको लेके आएंगे और पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको अपने इनिशियल फेज पे लेके आ जाएंगे। ये जो एक्सरसाइजेस हैं आपको अपने दोनों घुटनों से करना चाहिए क्योंकि हमें अपने दोनों ही घुटनों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब हम बैलेंस एक्सरसाइजेस करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा एक पैर वीक है और एक पैर स्ट्रांग रह गया है। सो, यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस लाइक दैट, सी, आपको होल्ड करना है और वापस आना है। आप इसको 5-5 times कर सकते हैं, 10-10 seconds का होल्ड करके पहले अपना अफेक्टेड लिम्ब में करिए, फिर आप इसको अनअफेक्टेड लेग में करिए। सो, दोनों पैरों की एक्सरसाइजेस आपको स्ट्रेचेस करने चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
सो आज मैंने आपको 5 सिंपल एक्सरसाइजेस बताई हैं जो आप ACL इंजरी के केसेस में खुद कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका ग्रेड 3 है जिसमें कंप्लीट टियर हो जाता है, उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस हम फिजियोस को आपको करानी होती है. इस सीरीज़ को आप नेक्स्ट सीरीज़ में देख पाएंगे. अब के लिए बस इतना ही. मेरा चैनल फिजियोल्यूशन आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. धन्यवाद.